the biggest South Asian media group, Why Media. Why Media? Why Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse, television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Why Media. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मैं हूं राज और ये हैं कविता जी. आई होप हमको आपको मजा आ रहा होगा. डियाना विल्सन से बात हुई हमारी पैशन स्कूटर के बारे में. अब हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं संजीव मोंगा जी. पंकज मोंगा जी आपके लिए. संजीव मोंगा मैं संजीव कपूर की टिप के उधर ही चली गई थी, वापस नहीं आई. मैं वही देख रहा हूँ. दीपक मोंगा, पंकज मोंगा, सारा कुछ ही ठीक है. जो जो मर्जी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. पंकज जी जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट है. चैनल वाई पे भी इनका प्रोग्राम आता है वेडनेसडे को. रेडियो भी करते हैं. फाइनेंस कब करते हैं सर? रेडियो करते हैं, टीवी करते हैं, आप हमारे साथ बैठे हैं. फाइनेंस तो हम सोते सोते कर लेते हैं. तो सिचुएशन ये है कि बाकी सब जाग के करना पड़ता है. वो तो दिमाग में जो एक बार आप जब ड्राइविंग करते हैं तो वो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है आपका. जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो फाइनेंस हमारा सबकॉन्शियस काम कर लेता है. पहले आप पहले तो ऐसा कर लेते हैं, सपने में भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सही है. मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स देखे हैं. फाइनेंशियल आप बड़े स्मार्ट हो. थैंक यू. पर वो क्यों? ये कैसे आप ही बताएं. पढ़ने वाले लोग ना चश्मा वश्मा यू नो थोड़े पड़ाकू से होते हैं. मैं ना डरता हूँ कभी. मेरी वाइफ भी कहते हैं कभी आंखें चेक करवा लो. मैं कह नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो चश्मा लगा देंगे मेरे. सो मैं जाता नहीं हूँ चक्कर में. सही है, सही है. कविता जी बताओ, जलेबी को और पकौड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जलेबी वो कह नहीं सकते, वो इंडियन डिशेज हैं. अरे नहीं ऐसा नहीं, आप बताइए सर. जलेबी और पकौड़े को सर फाइनेंशियल वाले से आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पूछे कितने पैसे में मिलती हैं आप कैसे यहाँ क्या पूछ क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? तो भी कहेंगे जलेबी पकौड़े कितना तोलना क्या करना है. तोलना बोलना भी अलग. कितने के मिलेंगे, उसको खरीदने के क्या फायदे हैं, उसको नहीं खरीदने के क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें. उसको अगर आप रख के आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें पूछिए. क्या पकौड़े जलेबी की पहले ये पूछते हैं आपसे. चलिए आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और अपने बारे में कुछ बताइए पहले से. मैं एक्चुअली सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ. ओके. जो कि यहीं से मैंने ये सर्टिफिकेशन लिया है. इससे पहले मैंने एमबीए किया हुआ है इंडिया से, दिल्ली से. मार्केटिंग? नो, मैं फाइनेंस साइड से हूँ. मैं फाइनेंस साइड पे हूँ. सो जब यहाँ आया तो उसके बाद लगा कि नहीं भाई, यहाँ तो एजुकेशन और लेनी पड़ेगी, पिछली काम नहीं आ रही है. सो फिर यहाँ आके मैंने मेरे पास इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वो लाइसेंस है, इन्वेस्टमेंट है, सीएफपी हूँ, सीएलयू भी हूँ मैं, जिसको चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर कहते हैं. सो सीएलयू डेजिग्नेशन है मेरे पास, सीएचएस डेजिग्नेशन है, सारी यही से लिए. देखो तो एक ही डेजिग्नेशन मालूम है, सीपीए. सीपीए डेजिग्नेशन सीपीए मेरे को वो मालूम है कि जब पढ़ाई एग्जाम देने जाते हैं ना तो कैंट पास अगेन. बाकी तो यू नो आप जो बता रहे हो मतलब सुने हैं. सुने आप आरआरएसपी में भी डील करते हैं, सारी चीजें, सारी चीजें फाइनेंस रिलेटेड एनीथिंग, फाइनेंस रिलेटेड एनीथिंग. अच्छा अच्छा अच्छा. बट ऑटो एंड होम में डील नहीं करते हम इंश्योरेंसेस में, क्योंकि वो एक अलग लाइसेंस होता है. तो पर्सनल एवरीथिंग, पर्सनल एवरीथिंग जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है. कॉर्पोरेट आल्सो एवरीथिंग, कॉर्पोरेट आल्सो कॉर्पोरेट एंड पर्सनल. यस, वी डील विद लाइक नॉर्मली क्या होता है जब CFP का एक मेजर जो काम होता है इंश्योरेंसेस है, टैक्सेस प्लानिंग है. वी आर नॉट अकाउंटेंट, वी डोंट फाइल टैक्सेस, बट वी डू टैक्सेस प्लानिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस. उनके कैसे पास ऑन होंगे, अगर वो बच्चों पे पास ऑन कर रहे हैं, फैमिली की वेल्थ कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे हम टैक्स एडवांटेजेस ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं. तो आप प्लानिंग कराते हो, उसके बाद फाइल करने के लिए किसी और के पास जाएं? जी बिल्कुल, क्योंकि इट्स लाइक अ मनी. एक्चुअली क्या होता है जब हम स्मॉल बिजनेस जब ये ट्रांसफर्स होते हैं, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल बिजनेसेस वगैरह या बिजनेस जो भी बड़े हैं, तो उस वक्त तीन लोगों की जरूरत पड़ती है उनको, सीएफपी, लॉयर एंड सीए. ये तीन लोग जो होते हैं एक्चुअल प्लान करते हैं कि कैसे प्लानिंग होगी. जिसका जो काम है वो हम प्लानिंग करते हैं, लॉयर एंड सीए जो हैं
उनकी इनपुट्स भी होती है, हमारी इनपुट्स भी होती है, हम तीनों मिलके, क्योंकि लीगल चीज वो देख रहे हैं, टैक्सेस वो देख रहे हैं, मैं स्टेट देख रहा हूँ, सो ये सारी चीजें, और तीनों को ऐसा नहीं है, तीनों को कुछ कुछ तीनों की जरूरत भी है और तीनों को तीनों की नॉलेज भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने लॉ नहीं पढ़ा है, मैंने भी फैमिली लॉ पढ़ा है, सेम चीज सीए ने पढ़ी है, सेम चीज लॉयर तो लॉयर है, लॉयर को तो ज्यादा पता है उस चीज का, सो इसी तरह टैक्सेस में आता है, टैक्सेस जैसे मैंने भी टैक्सेस पढ़े हैं, सीए ने टैक्सेस पढ़े हैं, लॉयर ने भी पढ़े, सो ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं जब हम फैमिली प्लानिंग में आते हैं, जो टैक्स प्लानिंग एडवांटेज स्टेट फैमिली प्लानिंग आप क्लियर से बताएं, वो एडवाइस आप लोग दे सकते हैं, आपने तीन लोगों की बात करी, मैं आपको बताऊं, एक मैथमेटिशियन, एक अकाउंटेंट और एक फाइनेंशियल प्लानर इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है, तो जब इंटरव्यू में बैठे तो इंटरव्यू वाले ने पूछा कि 2+2 क्या होता है, तो मैथमेटिशियन ने बोला कि 2+2 4 होता है, बोला पक्का, बोला हाँ पक्का 4 होता है 100%, बोला ओके, चीफ अकाउंटेंट को पूछा कि 2+2 क्या होता है, बोला कि 4 होता है, हाँ 10% ऊपर नीचे ले लो, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानर को पूछा कि 2+2 क्या होता है, वो गया जाके दरवाजा बंद किया, हाथ मिलाया, बोला आप बताइए कितने बनाने, आप 2+2 को कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट में बैठे हो, डिपेंड करता है 2+2 को, हमारे हमारे इन्वेस्टमेंट में तो ये बात होती है, अगर अगर फाइनेंशियल प्लानर का सही हाथ लग जाए, अगर वो मार्केट को समझ जाए, अगर जिस वक्त चल रही है, तो वो 2+2 नहीं सर, हम 2+6 और 2+8 भी कर सकते हैं, लेकिन आप बिना बोले इसका है 1+2 का 4 4+2 का 1, माय नेम इज, सो वो सिचुएशन है, लेकिन ये टाइम जो होते हैं बहुत कम इयर्स में आते हैं, लाइक जैसे 2009 एक ऐसा टाइम था, हां एग्जैक्टली, जब इस तरह का जिसने 2 लगाया था, अगर उसने रिस्क लिया था तो 10 बन गया था, टाइप वो सिचुएशन थी, तो अभी तो ये आफ्टर दिस ब्रेक्सिट जो ब्रिटेन का हुआ है, दोनों जगह से सर, यूरो दोनों जगह से बाहर हो गए, वो यूरोप से भी बाहर हो गए, यूरो कप से भी बाहर हो गए, सही है, एग्जैक्टली, सो दोनों यूरो से बाहर हो गए, मैं अभी आई वाज सीइंग अ वीडियो कि वो गिर रहे हैं और फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो धक्का मार दिया, बोला जाओ, इसके बाद से पाउंड इज गॉन डाउन, यस पाउंड इज बिग टाइम, गॉन डाउन बिग टाइम, एक्चुअली क्या हुआ था, जिस दिन ये न्यूज़ आई है एक्सपेक्टेड नहीं थी, एंड मैं पहले भी कहीं बात कर रहा था, वो इस लास्ट वेन थर्सडे ही हम यहाँ बात कर रहे थे, फ्राइडे में और युद्धवीर टीवी पे थे, जो एवरीबडी गॉट इट रॉन्ग, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि ये बाहर जाएगा, या इट वाज 42 and 48 एंड में जाके ये इतना, फिर भी 4% बहुत डिफरेंस होता है, जब आप 30 मिलियन लोगों ने वोट किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन स्कॉटलैंड नहीं चाहता है कि बाहर जाएं, आयरलैंड जो नदन आयरलैंड जो इनके पास है वो नहीं चाहता है कि हम बाहर जाएं, सो प्रॉब्लम ब्रिटेन के साथ क्या हुई है कि जो 44 के एज के नीचे के जो लोग थे उन्होंने बोला कि हमें रहना है यूरो में, और जो परसेंटेज वाइज अगर देखें तो, और 45 से ऊपर के जो लोग थे वो कह रहे हैं कि हमें निकलना है, दैट्स वियर्ड, अब नहीं वियर्ड नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये दिखती है, अगर आप देखें जो 44 से नीचे के लोग हैं वो अभी सेटल हो रहे हैं लाइफ में, उनको एक्सेस चाहिए, वो 20 22 25 28 कंट्रीज का एक्सेस था उनके पास, कहीं भी जाके जॉब कर ले, कहीं भी कुछ कर ले, 50 के ऊपर वाले कहते हैं अब मुझे कुछ करना नहीं है, मैं सेटल हो चुका हूँ, सो मैं अपनी कंट्री में बैठा हूँ, अपनी कंट्री को वापस निकाल लेते हैं, सो एक अलग, पर यही तो बात होती है कि दे नीड टू थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशंस, क्योंकि उनका तो वो तो अब डन ना, राइट, कि अब जैसे वो कह भी रहे थे, कहते अब जेम्स बॉन्ड को भी अपने मिशन के लिए वीजा लेना पड़ेगा, अभी क्या होने वाला, मतलब नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कल से मार्केट वापस उठ गई है, exactly, कल भी उठी थी, आज भी, अभी यहाँ की नॉर्थ अमेरिकन मार्केट has gone up, yes, but what about ब्रिटिश पाउंड, yeah, ब्रिटिश पाउंड अभी नीचे है, लेकिन ब्रिटिश मार्केट अप हो गई है, अच्छा, स्टॉक मार्केट जो है, जो उनका डैक्स है, जैसे जर्मनी है, ये फुटसी है, ये कैक है, ये सारे अप हैं इस वक्त, तो मतलब it will come back to what it was, देखो सिचुएशन ये है कि अभी इतनी अनसर्टेनिटी है इस मार्केट में कि हम कुछ कह नहीं सकते, अभी क्या होगा, अभी तो 2 महीने तक तो कैमरन साहब कह रहे हैं कि हम फाइल ही नहीं करेंगे एग्जिट करने के लिए, सो वो स्टोरी वहीं अटकी हुई है अभी तो, अभी तो उन्होंने फॉर्म
अभी वोट हुआ है. इनफैक्ट एक कल व्हाट्सएप पे किसी की स्टोरी आई थी कि इंडिया ने बोला है कि वो इंडिया के रिपब्लिक स्टेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए यूके वाले. अभी तो वापस मत बुलाओ यार, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है, सो निकाला. अभी तो हमारे अंडर में आएंगे वो, नहीं आने वाले, विश्वास मत करो. एक बार ही धोखा खाया, दोबारा मत खाओ. हर जगह रेफरेंडम की बातें शुरू हो गई हैं. केजरीवाल साहब दिल्ली में कह रहे हैं कि हमें पूरी स्टेट बनानी है, रेफरेंडम कराएंगे. सो रेफरेंडम तो एक वर्ड यूज होना शुरू हो गया हर जगह पे. अभी तो हमारे बोनी क्रॉम्बी जी कह रहे थे कि हम मिसिसागा को बाहर लेके जा रहे हैं कुछ दिन पहले, रेफरेंडम करवानेंगे. सो रेफरेंडम एक ऐसी चीज हो गई है, अब पता नहीं क्यूबेक वाले दोबारा ना खड़े हो जाए. ओह माय गॉड, उनको ना दोबारा शुरू करें. लेकिन स्कॉटलैंड अभी प्रॉब्लम, ब्रिटेन अभी थोड़ी इस वजह से भी प्रॉब्लम में है. स्कॉटलैंड में दोबारा से उठना शुरू हो गया कि दे वांट टू बी, दे वांट टू गो इन ईयू. सो वो रेफरेंडम कराने की बात कर रहे हैं बार बार. तो ये दोबारा चेंज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है. होने को तो सब कुछ हो सकता है, बट हो जाएगा तो यूरोपियन यूनियन बिकम रियली स्ट्रांग, बिकॉज़ यू नो यूरोपियन यूनियन एक्चुअली स्ट्रांग थी. ये बाहर थे, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी थे लेकिन पूरी तरह अंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका जो, बट ब्रिटेन वॉज गेटिंग बेनिफिटेड. वो लोग वहाँ के समझ नहीं पाए, वो अंदर के लोग जो होते हैं ना, जो एक अपना होता है ना जय हिंद वाला, जैसे इंडिया में वो सिचुएशन उनके साथ थी कि हमारी कंट्री डिवाइड हुई पड़ी है, हम पैसा देते हैं, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है रूल्स आके यूरोपियन यूनियन के. हम दुनिया में राज करते थे भाई, हम कैसे झुक जाए. सो उनकी पोजीशन वो है, दुनिया में हम राज करते थे, अब हमारे ऊपर ही राज किया जा रहा है. वही होता ना कि जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है ना लोगों की, वो जो बायोपिक एक उसमें से देखने की, दे कैन नॉट थिंक लॉन्ग टर्म की कितना डिसएडवांटेज जा रहा है कि यूनिटी में है टुगेदर. यस, वही चीज थी, वो यूनिटी में. वो दिन बीत चुके हैं जब ये हुआ था, जब वो ब्रिटेन राज करता था. अभी तो अब ब्रिटेन बाहर जा रहा है, स्कॉटलैंड कह रहा है कि मैं बाहर चला जाऊंगा तुमसे, नदर आयरलैंड कह रहा है, तो तुम आपस में ही टूट रहे हो अभी. तो फिर वही होना शुरू हो जाता है, सिचुएशन ही हो रही है. और आपके यंग क्राउड जो है वैसे ही वो खिलाफ था इसके कि नहीं जाना है हमें बाहर. सो अंदर भी लड़ाइयां शुरू हो गई है. सो ये चीज यहाँ पर कितना फर्क पड़ेगा, व्हाट अबाउट अस कैनेडियंस को, क्या इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा हमारा, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है काफी स्ट्रॉन्ग है. हमारा जो फाइनेंशियल, क्वीन तो फिर भी क्वीन है. देखिए अब सोचिए, ब्रिटेन कह रहा है कि मुझे अलग होना है, तो हो सकता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं कि हमें भी रेफरेंडम करा दो, वो अपनी कंट्री वापस ले रहे हैं, हम अपनी कंट्री. ये एक चीज सोचने वाली है, एक एक्चुअली सोचने वाली चीज है कि नहीं होनी चाहिए एक्चुअली. सो चलो हम अपने कनाडा की तरफ आते हैं. कनाडा को इतना इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आई तो. अच्छा, अगर कोई स्टॉक मार्केट, तो ऑयल प्राइस भी गिर गई है यूके में तो काफी. लेकिन अब वो तो they started जैसे कि यहाँ भी जैसे स्टिमुलेशन चल रहा है, बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट कम किए हुए हैं, या जब ये हमारी नई गवर्नमेंट आई थी इन्होंने अनाउंस किया था हम $30 billion के डेफिसिट की तरफ चले गए थे. सो वो सारा पैसा एक्चुअली स्टिमुलेशन है एक तरह का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, विच इज गुड. अगर इकोनॉमी संभालनी हो तो ये पैसा देना पड़ता है. ये एज ए हम लोन देते हैं इकोनॉमी को, या जैसे भी हम मान ले उसको, क्योंकि बाद में खींचा जाता है पैसा, बाद में निकाला भी जाता है कहीं ना कहीं से, तो प्रॉफिट लेके उसको नलीफाई किया जाएगा. लेकिन एक तरह का लोन है और उसको देने में कोई बुराई नहीं होती है. अगर आप इंडिविजुअल आदमी की सिचुएशन पे आ जाएं, आज आप अगर मोर्गेज के लिए लोन नहीं लेंगे तो घर नहीं बना सकते, कार नहीं चला सकते. सो एक अगर मैं कंट्री से एक इंडिविजुअल आदमी पे ले आऊं, तो लोन तो इंडिविजुअल आदमी को भी लेना पड़ेगा. बिल्कुल. सो कंट्री अगर लोन लेती है तो वो लेना ही पड़ेगा चलाने के लिए, अदरवाइज ये लाइफ साइकिल इसी तरह का है. आप ये बोले कि कंट्री लोन ना ले, लेकिन मैं जितना चाहूं उठा लूं, सो वो सिचुएशन तो नहीं हो सकती. बिल्कुल. अच्छा ये बताइए, पर्सनल थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग. हाँ, नहीं, आम आदमी, यू नो, ठीक है, ये तो बहुत टेक्निकल जानकारी है, मतलब यू नो कई सारे लोगों को
इंटरेस्टिंग होगा. किसी को बात करनी है? पंकज जी हमारे साथ बैठे. मैं बार बार दीपक, आप संजीव, मैं राज साहब, आपको पंकज बना देता हूँ. मुझे दीपक, मैं राज बन जाता हूँ. 416-800-0759 पे हम कॉल ले रहे हैं. अगर किसी को बात करनी है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके? एक सवाल था, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट चेंज हो रहा है जी, फर्स्ट जुलाई. क्या कितना फर्क पड़ने वाला है, किसको फर्क पड़ने वाला? देखो ये डिपेंड करता है. अब क्या हुआ था, पहले हायर इनकम वालों को भी थोड़ा बहुत मिल रहा था जो यूनिवर्सल चाइल्ड टैक्स 30,000 के ऊपर, राइट? 30 नहीं, वो तो यूसीसी भी जो था, यूनिवर्सल चाइल्ड टैक्स बेनिफिट था, वो तो आप चाहे 2 मिलियन कमाते हो वो आपको मिल रहा था. तो उन्होंने क्या किया कि धीरे 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 काटना शुरू किया है. ऊपर वालों को नहीं मिलेगा, ओके, और जो लोअर इनकम वाले हैं उनको मिलेगा, लेकिन उनका बढ़ा दिया गया है. अच्छा, so it's like huge amount, like 4,000 almost. Achha, so 6,000 lower income, yeah, 6,000 something, right? अगर आप 6 years, so lower income वालों को सो को बढ़ा दिया गया और ऊपर वालों को बिल्कुल ही काट दिया गया. ऊपर वालों को in the sense, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप 100,000 भी कमाते हैं तो भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा कमा रहे हैं तो अच्छा, उससे भी ज्यादा तो 100,000 में कम हो जाएगा. जैसे स्लैब्स हैं, आप CRA की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे टैक्स और CCTV का जो है कैलकुलेटर है, आप उसमें लिख के गूगल में अगर आप सर्च मारेंगे चाइल्ड टैक्स बेनिफिट कैलकुलेटर, वो जुलाई से चेंज हो रहा है, 1 जुलाई से. उसमें आपके वो 2-4 क्वेश्चन पूछेगा, कितने बच्चे हैं, क्या क्या इनकम है, तो आपको बता देगा कि कितना आएगा. एक बार मुझे समझ में नहीं आई कि क्या ऊपर वाले जो होते हैं उनको ऊपर से पैसा तो गिरता नहीं है. अगर 100,000 ऊपर कमा रहे हैं वो लोग, पर वो भी सुबह 5-5 बजे उठ जाते हैं, काम करते हैं पागलों की तरह, तो उनके हिस्से की किस खुशी में काट दी गई? आपको इसलिए थोड़ी मिल रहा है कि आप काम करते हैं बच्चों के लिए? नहीं, पर जो लोअर इनकम वाले हैं वो भी काम करते हैं और उनको भी मिलना चाहिए. मैं मानती हूँ काम तो वो वाले भी बहुत ज्यादा करते हैं, वो सुबह से लेकर रात तक, उनकी तो कॉल्स रात रात तक है कभी कभी लोगों को मैं देखते हैं. हाँ, तो वो कमा रहे हैं क्योंकि उनका इंटेलिजेंस भी इतना है, वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके हिस्से क्यों कमा रहे हैं? बेनिफिट सारे ना एक्चुअली आपकी इनकम के बेसिस पे ही मिलते हैं. हाँ, पर ये क्यों होने, ऐसे नहीं होना चाहिए था ना? उनको भी तो कोई मेहनत, इतने टैक्सेस पे करते हैं. मैं इस बात का जवाब दे सकता हूँ? हाँ, दें प्लीज, मुझे पता लगा. जो लेट्स से कि आप 200,000 कमाते हैं जी, सो 200,000 का मतलब हो गया लगभग आप 15,000-16,000 या 14,000 टैक्सेस वैक्सेस पे करके चलो 10,000 और भी, क्योंकि हम जब क्या होते, बात ही होती है, आप हाउस होल्ड इनकम की बात कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ, exactly, अगर 100,000 भी है तो हाउसहोल्ड तब भी मिलेगा. अगर आप 150 और प्लस कमा रहे हैं तब ये खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट जाके. लेकिन अगर 150 आप पूरे हाउसहोल्ड की इनकम की, पूरे हाउसहोल्ड की 150 और 200,000 कमाने वाले सिर्फ 1% लोग हैं इस कंट्री में, ठीक है? exactly. और जो 150 और 200,000 कमाते हैं वो उनको अगर $100-200 नहीं आएगा महीने का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 100-200 तो वो एक शाम में बैठ के रेस्टोरेंट में खर्च देते हैं. सही बात है. गरीबों को कितना अच्छा लगेगा. हाँ, बात कर रहे हैं. लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, बेचारे रेंट पे रह रहे हैं, बेचारे घर नहीं है, जिनके पास गाड़ी एक है, जिनको बच्चों, एक्चुअली ये पैसा बच्चों के लिए दिया जाता है कि बच्चों की देखभाल की जा सके, बिल्कुल, बिल्कुल. उनको अच्छा खाना दिया जा सके, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिले, उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उनकी गेम्स स्पोर्ट्स ये सब चलते रहे. बिल्कुल, अगर बिल्कुल. आप 150-200,000 कमा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को हॉकी भी खिला रहे हैं, आप उसको स्विमिंग के लिए लेके जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं. लेकिन जो 30,000 कमा रहा है वो ना तो हॉकी पे लेके जा रहा है, ना उसको बेचारे को स्विमिंग के लिए कुछ है, ना कुछ नहीं, तो उनके लिए पैसा दिया गया कि बच्चों को खिलाओ, न्यूट्रिशन दो, उनको खिलाओ पिलाओ, बड़ा बनाओ, ताकि वो NBA में खेल सके, NHL में खेल सके. ये तो पेंशन प्लान की बात हो, सॉरी ये तो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट बात हो. पेंशन प्लान में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं जी? CPP में चेंजेस आ रहे हैं. एक्चुअली CPP वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं. अच्छा, कि CPP के साथ क्या हो रहा था कि इतनी ज्यादा नहीं मिलती थी कि हम उससे सर्वाइव कर पाए. अभी भी इतनी ज्यादा भी नहीं होगी कि हम सर्वाइव कर पाए, लेकिन कुछ एक बढ़ाने की बात कर रहे हैं. उस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके,
which is controversial little bit. अभी तक कब हो रहा है? अभी 2019 के बाद शुरू होगा ये, और ये फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. कितना बढ़ाया जाएगा? लगभग आप ये मान के चलें कि 25% और 25% नो, इट्स अ बिग इंक्रीज. लेकिन ये जैसे आप कह रहे हैं ना कंट्रोवर्सी, सो इज इन इट दिस वे कि जो हमें अवेलेबल इनकम होती है टू व्हाट इज द वर्ड स्पेंडिंग इनकम व्हाटएवर, इफ उसमें से थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल में से कुछ तो फिर हमारी उसी इसी टाइम पे निकल ही जाएगी, बिकॉज वी गोना इन्वेस्ट मोर टुवर्ड्स, we're going to put more towards CPP. Yeah. तो वो saving होके बाद में मिलेगी, तो बिल्कुल, लेकिन disposable नहीं होती ना बहुत लोगों के पास. हाँ, problem ये है. जो self-employed होते हैं उनका क्या? Self-employed को भी देनी है. Self-employed भी CPP भरता है. Self-employed CPP दोनों side के साथ ही भरता है. Tax के साथ वो अपनी भी भरता है और employer की भी भरता है. लेकिन जो employee लोग हैं जो salary पे हैं उनके केस में क्या होता है कि employee अपना part देता है, employer अपना part देता है. अब employee भी increase करेगा, employer भी increase करेगा. सो एम्प्लॉई जो इंक्रीज कर रहा है उसको कुछ टैक्स रिबेट दी जा रही है. एक्चुअली जितना वो पे करेगा वो टैक्स डिडक्टेबल होगा. अब तो उसकी इनकम से रिड्यूस कर दिया जाएगा तो टैक्सेस नहीं भरेगा वो सीपीपी पे. पहले वो टैक्स क्रेडिट होता था, सिर्फ 15% मिलता था, लेकिन अब जितनी ब्रैकेट में वो है उसके हिसाब से मिलेगा. तो एम्प्लॉई को तो बेनिफिट दिया जा रहा है, अभी एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम है. क्योंकि उनको भी मिलना चाहिए उनको, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस है या कोई भी लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि अगर सीपीपी ज्यादा देनी पड़ जाए, अगर आप $10 भी लगा रहे हो और हजारों एम्प्लॉई हैं उनके पास. हाँ, exactly. तो टोटल कॉस्ट बहुत ज्यादा. देखो एक बिजनेसमैन क्या करता है, आपको अगर लेट्स से कि आपको 3 रोटी खाने की आदत है, ठीक है, अब 4 आ गई. हाँ. तो आप क्या करोगे, 3 खा लोगे, 1 हो गए यार बांट देते हैं चलो, एम्प्लॉई रख लिया. अब 2 रह गई, आपको तो 3 खाने की आदत है, तो आप क्या करोगे, 1 एम्प्लॉई को काट लेते हैं उसकी रोटी खा लेते हैं. मेरा प्रॉफिट मैं कम नहीं होने दूंगा. जितना मुझे कमाने की आदत है उतना कमाने की आदत है, मेरा बढ़ना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिजनेसमैन हूँ. और उनकी थिंकिंग भी ऐसी है, थिंकिंग भी ऐसी है. देखो ग्रीड होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ. अगर ये ग्रीड नहीं होती तो गूगल नहीं खड़ा होता, माइक्रोसॉफ्ट नहीं खड़ा होता, एप्पल नहीं खड़ा होता. उस बंदे की ग्रीड भी थी साथ में, पैसा कमाना भी था उसको. और वो एप्पल खड़ा हुआ या गूगल खड़ा हुआ या माइक्रोसॉफ्ट खड़ा हुआ या ब्लैकबेरी कभी खड़ी हुई या यहाँ पे टोयोटा के प्लांट चलते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट भी तो देते हैं. वो ग्रीड ही तो एम्प्लॉयमेंट देती है, वो कैपिटलिज्म ही तो एम्प्लॉयमेंट देता है. अदरवाइज हर कोई किसी को तो गवर्नमेंट हायर नहीं कर सकती. बिल्कुल बिल्कुल. मैं पूछना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे फैमिली प्लानिंग का, फैमिली फिर आ जाते फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा दिमाग उधर ही जा रहा है. फाइनेंशियल प्लानिंग मोर एंड मोर थकी नींद आई रात को, बड़ी लेट ट्रेवल करती थी. तो फाइनेंशियल प्लानिंग द मोर आई एम रियलाइजिंग द मोर वी अंडरस्टैंडिंग दैट दे रिकमेंड दैट एवरीबॉडी इन देयर लाइफ must get a financial planning done, because hum log sochte hain nahi ji unhone to aana hi hai aur hume sab pata hai ki kaise chalta hai. is that a true statement ki wo bahut si cheeze jab hum logon ko bata sakte hain ki jo hume pata hi nahi hai to invest or to save or something like that. sahi keh rahe hain aap. har koi doctor hota hai Tylenol और Advil हर कोई देना जानता है. हाँ. लेकिन जिस वक्त उसको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. आप अपने आप जाके एंटीबायोटिक खरीद के नहीं ला सकते हैं, एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर के थ्रू ही लेने पड़ते हैं. सेम चीज फाइनेंशियल प्लानिंग है. जी सर. आप हर कोई अपने आप को बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्लानर समझता है. हाँ. लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो लोग जब सामने बैठते हैं तो ये कहते हैं कि ओह अच्छा अच्छा आप तो गलती हो गई, हमने 20 साल बाद आए हैं. सो ये सिचुएशन थी. पंकज जी टाइम ब्रेक का टाइम हो गया हमारा, ब्रेक का नहीं जाने का टाइम हो गया मैडम, शो खत्म हो गया. मेरे को तो अभी भी नींद आ रही. एक जाते जाते एक शेर सुनाता हूँ. अच्छा पंकज जी आएगा तो नहीं ना शेर. सुना दीजिए बस. तेरी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है. ये पंकज जी को कह रहे, क्या कर रहे हैं? आपको नहीं कह रहा, उधर आपको कह रहा हूं, आपको भी नहीं कह रहा, मुझे भी नहीं कह रहे, उधर कह रहे हैं. आप तो संभाली भी हैं, बट तेरी जुल्फों ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है, कभी दाल पर कभी सब्जी पर कब्जा जमा रखा है. क्या बात है, क्या बात है. इनको भूख लगी है, इन्होंने आज ब्रेकफास्ट नहीं खाया है. आप लोग भी जाके दाल नहीं खाना, दाल नहीं खाना. चलिए लेते हैं नॉट ब्रेक. आज के लिए इतना ही. पंकज जी थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
थैंक यू राज जी, थैंक यू जी, कल दोबारा मिलेंगे 9 से 10 बजे एवरी डे गुड वाली मॉर्निंग्स, देखते रहिए ट्यून इन, और फेसबुक पे भी हमें कमेंट्स भेजिए, क्वेश्चंस भेजिए, कौन से लोगों को आप बुलाना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, डेफिनेटली विल बी वेटिंग फॉर यू, सी यू टुमारो, गुड वाली मॉर्निंग्स. चैनल Y, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल. Call Rogers or Bell today and subscribe to Channel Y. Channel Y. For more information, visit SouthAsiaDaily.com. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel.